स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम आए हुए हैं कच्चा किला स्थित गुरुद्वारा बाबा बंदा सिंह बहादुर, जहां पर इस वक्त विधायक श्रीमती रेणुबाला, कांग्रेस प्रत्याशी, इन्होंने अपना नमन किया, मथा टेका और यहीं पर एक सभा, चुनावी सभा परिसर में ही यहां पर आयोजित होगी। फिलहाल उन्होंने मथा टेक लिया है और वो सिख संगत को यहाँ पर संबोधित करेंगे। यहाँ पास ही जो पहला गुरुद्वारा था, उसके परिसर में एक छोटी सी सभा का आयोजन, जिसमें काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं, उनको संबोधित करेंगे श्रीमती रेणुबाला, विधायक जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी आ चुके हैं। नमस्कार जी। तो बड़े खुशी की गल है कि असी अज तो एक महीना पहला कट्ठे हुए सी कि किस पार्टी नू अते किस उम्मीदवार नू अपने हलके दे विच सिख समाज द्वारा समर्थन दिता जाए। तो सारी संगतां ने रल मिल के, सारे ही पिंडां दे जो सिख समाज सी, उन्होंने रल के ये फैसला लिता सी कि 10 साल पहले असी कांग्रेस पार्टी दे देखे, उस तो बाद 10 साल असी बीजेपी दे देखे, तो सारे ने रल मिल के ये फैसला लिया कि कांग्रेस सरकार दे विच सानू खुशहाली मिली, आर्थिक तरक्की मिली, नौकरियां मिलिया, रोज़गार मिलिया, तो डिवेलपमेंट होया। तो दूजी बात सी कि कैंडीडेट भी वधिया होना चाहिए, कैंडीडेट कोई माड़ा नहीं होना चाहिए, पार्टी भावें वधिया होवे पर कैंडीडेट भी वधिया होना चाहिए। तो इसलिए असी सारे कैंडीडेटा का भी कंपेरिजन किया, तो असी देखिया कि साढ़े जो कैंडीडेट ने भैन जी रेणुवाला जी, इन्हां दे विच काबिलियत है कि ये पढ़े लिखे ने, एम ए ने। दूजी गल, ये सारे ही गुरुकुल दे नाल जुड़े हुए ने, सारा परिवार, कोई मांस अंडा मछली शराब किसी भी प्रकार का नशा इन्हां दे घर दे विच नहीं है। तो इन्हां दी जो रूह रीतां ने वो साढ़े नाल मिलदियां जुलदियां ने, मतलब ये गुरमत दे अनुसार दा जीवन बतीत कर रहे ने, गुरु दे मत दे अनुसार अपना जीवन बतीत करते हैं। तो ये असी फैसला लिता कि ये नशियां तो दूर ने, सारा परिवार मांस मछली अंडे तो दूर है, तो गुरु दे अनुसार अपना जीवन बतीत कर रहा है। तो सानू सारी संगत ने बह के फिर ये फैसला लिता सी कि असी कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करनी है, तो भैन जी रेणुवाला जी इस हल्के तो, सारे सडोरे हल्के तो असी सिख समाज ने समर्थन देना है। तो अज असी भैन जी यही आश्वासन देंदे हाँ कि सारा सिख समाज हलका सडोरा दा आप जी दे नाल है, तो तुसी परवाह नहीं करनी, बेचिचक हो के रात नूं नींद टेंशन फ्री होके सोना है, थोड़ी जीत पक्की है। वाहेगुरु जी का खालसा। हुण मैं भैन जी श्रीमती रेणुवाला जी नूं बेनती करांगा कि आप जी अपने जो विचार ने साडे नाल साझा कर। वाहेगुरु जी दी फतेह। तो आप सबा नूं मेरा सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं सबसे पहले तो आप सब की धन्यवादी हूँ कि आप लोगों ने मिलकर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अपना सब ने सहयोग दिया और आप सब लोग मिलकर सिख समाज कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ आपका कि आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी के साथ साथ मेरे ऊपर भी अपनी आस्था जताई और मुझे अपना आशीर्वाद दिया। तो मैं सदा आप लोगों की ऋणी तो रहूँगी। और मेरा अपनी तरफ से मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसा भी आप सबका सहयोग रहा, समर्थन मिलेगा और कांग्रेस पार्टी सरकार में आती है, तो आपके समाज के हकों की लड़ाई आपके साथ हम मिलकर खड़े रहेंगे और जो भी यहाँ की दिक्कतें हैं या परेशानियाँ हैं, वो मेरा साथ सहयोग आप लोगों के साथ रहेगा और कभी भी आपको किसी बात की कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेरी तरफ से आप सारे का, पूरे सिख समाज का पूरा मान सम्मान किया जाएगा और आप सब के साथ मिलकर हम काम करेंगे और आने वाले समय में आप सब लोग इकट्ठे रहकर समाज के लिए, भलाई के लिए काम करके आप सबके साथ चलेंगे। तो आप सभी का मैं आप सबके सहयोग के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप सबका बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करती हूँ। बोले सो निहाल। आज हमारे बीच कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार
श्रीमती रेणु बाला जी आए हैं और हम इनका यहाँ पहुँचने पे बहुत स्वागत करते हैं और इनका बहुत धन्यवाद इन्होंने के हमारे पास ही आए। और हम इनको पूरा आश्वासन देते हैं कि हमारे सिख समाज की तरफ से एक एक वोट इन्हीं के पक्ष में जाएगी और इनसे ये भी उम्मीद रखेंगे कि आने वाले समय में जब ये MLA बन जाएगी, मंत्री बने और हमारे कोई भी मतलब डिमांड होगी सिख समाज की किसी भी की भी, उस पर पूरा गौर करेंगे, इस बात की हम इनसे उम्मीद रखते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक मांग पत्र रिटायर्ड कर्मचारी संघ के अध्यक्ष दिलावर हुसैन इस मौके पर दे रहे हैं। अपनी मांगों को बता रहे हैं दिलावर हुसैन। हमने सीएम अपने हमारे रहे सबसे पहले भगवत दयाल शर्मा जी, उसके बाद बंसीलाल का जमाना देखा हमने। बंसीलाल के साथ भी बहुत संघर्ष रहा हमारा, लेकिन मांग तो मान लेते था, वो संघर्ष पहले करना पड़ता था, हमें अंदर भी रहे उसके टाइम में। लेकिन ऐसी सरकार, ये गूंगी बैरी, इसने हमारी एक भी मांग नहीं मानी। हमारी जनरल मांगे थी, हमारी कैशलेस थी, एक तो क्या नाम बीमारी का इलाज, जबकि संविधान के अंदर मौलिक अधिकार है शिक्षा का, स्वास्थ्य का और हमारे इसका रक्षा का, लेकिन इसका व्यापारीकरण हो गया इस सरकार में। कहीं भी देख लो, पैसे के बगैर पढ़ाई नहीं कर सकता बच्चा, पैसे के बगैर इलाज नहीं हो सकता, पैसे के बगैर क्या नाम कोई रक्षा नहीं हमारी है। तो मैं इस सरकार से, जो आने वाली सरकार है, उससे उम्मीद करते हैं कि ये समाज के लिए और बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए अच्छाई का काम करेगी। इसलिए हमारे संगठन ने ये निर्णय लिया कि जो भी विधायक विपक्ष के हैं, क्योंकि पक्ष को हमने बहुत मांग पत्र दिए, विपक्ष को हम मांग पत्र देना चाहते हैं कि हमारी मांगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा गौर करें जब भी विधानसभा में जाएं। धन्यवाद। आओ जी, पंडित जी आ जाओ। Thank you.